गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ व परंपरागत तरीके से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए आते हैं। ऐसे में मंदिर की सुरक्षा व श्रद्धालुओं को गुरु गोरखनाथ बाबा का दर्शन करने व मेले में घूमने की किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं तथा साथ ही साथ ब्लैक कैट कमांडो भी लगाए गए हैं, जिसके संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि खिचड़ी मेले को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की कई लेयर में बांटा गया है। पहला लेयर जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा है, वहां से शुरू हो जाता है। जनपद के सारे एंट्री पॉइंट पर हमारे चेक पॉइंट बने हैं, इसके साथ ही शहर के अंदर भी चेक पॉइंट बने हैं। मंदिर के अंदर भी फोर लेयर में मल्टी सिक्योरिटी प्लान है। मंदिर के गेट पर चेकिंग बम डिस्पोजल स्क्वाड टीम ATS कमांडो दस्ता, कुल मिलाकर मंदिर की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए भी कोई दिक्कत ना हो, उनके लिए चैनल बने हुए हैं। खिचड़ी मेले में पूरे जोन स्तर की फोर्स लगी हुई है। 3 SP स्तर के अधिकारी लगे हुए हैं जो 3 सुपर जोन के प्रभारी हैं। गोरखपुर जोन के 11 जनपदों की फोर्स खिचड़ी मेले में लगाई गई है। इसके अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय से भी राजपत्रित अधिकारी लगे हुए हैं। पहले हम लोग 2 शिफ्ट में ड्यूटी करते थे, लेकिन अब 3 शिफ्ट में 8-8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए ADG जोन अखिल कुमार ने कहा, जागरूक रहना पड़ेगा, किसी भी अपरिचित पर विश्वास न करें। सूचित करें, स्वयंसेवक लोग हैं, सुरक्षा कर्मी के लोग हैं, सूचित करें, स्वयं से उसको न छुए। जहाँ कहीं भी डस्टबिन दिखे उसमें डालें, भीड़ इकट्ठा न करें, यहाँ पे छोड़ते रहिए आगे। कविता जी मेरा जगवंती प्रवेश नहीं है, जगवंती संत कबीर नगर जगवंती सुशीला देवी मेला थाने पे गेट से बाहर निकलिए, उसके बाद ये 2 नंबर गेट से एंट्री होगी आपकी। बाहर क्या है, बाहर जाना है तो बाहर से निकलो, उधर से सामने से निकलो। आज की गहन मालती हनुमान मंदिर के सामने भूमि भक्ति केंद्र पर आज की प्रतीक्षा कर रही है। भक्ति केंद्र पर अपनी गहन मालती से मिले मेरा थाने बंजरा कर रहे हैं। भगवान गुरु गोरखनाथ पर्व आपको आज प्राप्त हुआ है। आपकी पत्नी सुमन अभी
दर्शनार्थियों का, शायद इनकी प्रतीक्षा थाना पर कर रहे हैं, मेला थाने पर, अभी वहां से आवाज मकर संक्रांति का पर्व मुख्य परंतु आज भी काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं काफी भीड़ इकट्ठी हो गई है, काफी लोग दर्शन कर रहे हैं, अच्छा माहौल में दर्शन हो रहा है। तमाम तरह की व्यवस्था पुख्ता व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं हो। चैनल्स बने हैं जिनको आना है, किस रास्ते आएंगे किस रास्ते जाएंगे वो निर्धारित है, उनके जूते चप्पल से लेकर पानी की व्यवस्था, स्वच्छता की व्यवस्था, सतर्कता की व्यवस्था की गई है। ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था का प्रश्न है, हम लोगों ने कई यारों में व्यवस्था की रखी है और इस आयोजन में राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, एटीएस की टीम, ड्रोन्स टीम, सारे लोग लगे हैं। मेरा हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो श्रद्धालु हैं वो अच्छे ढंग से दर्शन कर सके, किसी प्रकार की असुविधा का सामना न कर पाए और साथ ही साथ उच्च कोटि की सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित की।